नमस्कार, इस वक्त मैं हूं आपके साथ प्रेरणा जोशी और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव राजस्थान। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अब पाकिस्तान को नहीं जाएगा राजस्थान का पानी। 1900 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट हुआ शुरू। पाकिस्तान में बह रहे पानी में से 6000 क्यूसेक पानी राजस्थान में लाने का काम जल्द तेज होगा। करीब 1900 करोड़ रुपए से फीडर सुधारने का काम होगा, जिसके लिए पंजाब सरकार ने निविदा जारी कर दी है। इसमें से 60% केंद्र सरकार और 40% राशि राजस्थान सरकार वहन करेगी। सरहिंद फीडर सहित 6 फीडरों को सुधारा जाएगा। इसकी लंबाई 200 किलोमीटर है। यह फीडर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से गुजर रहे हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार पंजाब सरकार ने टुकड़ों में निविदा जारी की है। यह काम पूरा होने के बाद राजस्थान को 6000 क्यूसेक अतिरिक्त पानी मिलने लगेगा। इंदिरा गांधी नहर के जरिए यहां 18500 क्यूसेक पानी लाया जा सकता है, लेकिन फीडरों की स्थिति सही नहीं होने के कारण करीब 12000 क्यूसेक पानी ही आ पा रहा है। उधर इस मामले में जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने हाल ही पंजाब सरकार के से इस संबंधित अफसरों से बात की है। बताया जा रहा है कि इस काम में 3 से 4 वर्ष तक का समय लगेगा। 3200 करोड़ से नहर होगी ठीक। बढ़ेगी क्षमता। 6000 क्यूसेक पानी इंदिरा गांधी नहर में लाने के लिए उसकी क्षमता बढ़ाने के साथ मौजूद स्ट्रक्चर को ठीक कराने की भी ज़रूरत है। इसके बिना अतिरिक्त पूरा पानी नहीं लाया जा सकता। इस काम में करीब 3200 करोड़ रुपए का खर्च होंगे। जल संसाधन विभाग ने इसमें करीब 1000 करोड़ रुपए की निविदा जारी कर दी है। नहरों की स्थिति ठीक नहीं है। पाकिस्तान जा रहा पानी। राजस्थान और पंजाब में खेतों की सिंचाई करने के काम आ सकने वाला पानी, हजारों क्यूसेक पानी पाक की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि यहां नहरों और फीडर की स्थिति बहुत ज़्यादा सही नहीं है। यह है स्थिति। फिरोजपुर फीडर को पंजाब और राजस्थान के किसानों की लाइफलाइन माना जाता है। इसकी क्षमता 11192 क्यूसेक है, लेकिन नहर में 7500 क्यूसेक से ज़्यादा पानी नहीं छोड़ा जा सकता। यही हालत इंदिरा गांधी नहर की है। इसकी मूल क्षमता 18500 क्यूसेक रही है, लेकिन 12000 क्यूसेक ही पानी चल पाता है। गंगा नहर की क्षमता 3000 क्यूसेक है, लेकिन यह 2400 से 25 क्यूसेक से ज़्यादा पानी नहीं ले पाती। यही कारण है अतिरिक्त पानी पाकिस्तान जा रहा है।